अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का हमारा लेक्चर अब बेकर्स कोर्स साइन इन करने का है। इस लेक्चर में हम बेकर्स कोर्स साइन इन, साइन आउट और पासवर्ड किस तरह चेंज करते हैं वो करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं ये बेकर्स वर्कस्पेस पर ओपन करता हूँ। ठीक है गाइस, कुछ ही सेकंड्स बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके अंदर ये हमारा आईडी दिया होगा जो कि बेकर्स की तरफ से मिला होता है। उसके बाद साइन इन दिया होगा, ये एजेंट आईडी, असल में ये साइन इन है, ये पासवर्ड है और ये पीसीसी है। हर बेकर्स में एक पीसीसी मखसूस दिया होता है हर एजेंट के को। ठीक है, इसमें ये एक पीसीसी है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें कॉमन है कोई भी हम बेकर्स को साइन इन करने के लिए। ठीक है, ये आईडी आपने अपनी यूज़ करनी है, पासवर्ड भी अपना हो, पीसीसी भी अपना यूज़ करना है। किसी का यूज़ नहीं कर सकते आप जब तक आपके पास पासवर्ड ना हो। और ये आप हर किसी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप एजेंट्स वगैरह से आईडी लेके ही यूज़ कर सकते हैं अगर आपने करना है तो। इधर हम पासवर्ड लगाएंगे और इधर पासवर्ड लेके मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, कुछ ही मिनट लम्हों बाद ये हमारा साइन इन हो। ठीक है गाइस, ये भी हमारा साइन इन हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है, ये क्योंकि बेकर्स वर्कस्पेस जो नया वर्जन आया है ये बहुत हैवी वर्जन है इस वक्त। ठीक है, इसमें 6 विंडोज़ हैं। ठीक है, ये इसका फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, व्यू है, टूल्स है, ठीक है, एडब्लैक्स है। तो ये आपके सामने सारा ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले हमारा हमें साइन इन करने के लिए एस आई टाइप करते हैं, एस से साइन, आई से इन, फिर डिस्प्ले लगा के हम आगे आईडी लगाएंगे। फिर उसको 9009 मेरी आईडी है। ठीक है, इधर मैं इसका पासवर्ड लिखूँगा। ठीक है, ये शो होगा, इसमें मैं अपना मौजूदा पासवर्ड लिखूँगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको इसका साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, अगर हमने एंटर करूँगा तो ये हमारा साइन इन हो जाएगा। ठीक है, हमारा वर्किंग एरिया स्टार्ट हो जाएगा जो कि ए में है। जब ए में हम साइन इन करते हैं ऐसे डिस्प्ले, तो वो सब एरिया हमारे साइन इन हो जाते हैं ए से लेके एफ तक। ठीक है, अगर हमने पासवर्ड चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना मौजूदा पासवर्ड लगाएँगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना नया पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, तो हमारा ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पासवर्ड नहीं चेंज करना तो आपने इसे करंट पासवर्ड लगाना है और यहाँ तक आके, जैसे मैंने ये पासवर्ड लिखा अभी अपना इधर लिखता हूँ, फर्ज करें जनवरी 2080। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये हमारा साइन इन हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम अपना मुकम्मल तौर पे साइन इन करते हैं। तो मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये अभी हमारा साइन इन हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये हमारा साइन इन हो गया। अब हम इसमें अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें मैं अवेलेबिलिटी लेता हूँ 25 अगस्त लाहौर से दुबई। ठीक है, तो इसमें ये शो हो जाएगा लाहौर से दुबई जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे वर्किंग एरिया शो हो गया ए में। सी में जाके भी हम यही कर सकते हैं। इग्नोर करने के लिए मैं इधर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये कॉमन लाइन इधर से आती है हमारे ये व्यू में, ये जो ऊपर आ रही थी लाइन इधर, इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं अपनी सहूलत के लिए, मुझे एक आदत सी हो गई है इस लाइन की, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है,
ये हो गया, इसके बाद डी में भी जा सकते हैं, ई में भी, एफ में भी, ठीक है। ये साइन इन का मतलब यही होता है कि हमने सब एरियाज में साइन इन हो गए हुए हैं, ठीक है। अब हमने इनमें से साइन ऑफ किस तरह होना है, साइन ऑफ के लिए मैं क्या कहूँगा, एस ओ, एस से साइन, ओ से ऑफ, फिर डिस्प्ले करूँगा तो हम सारे ए से लेके एफ तक सब एरियाज में से मैं आउट हो गया हूँ, इस समय मेरी आईडी बंद हो गई है। अगर मैं दोबारा फिर साइन इन होना चाहता हूँ तो एस आई डिस्प्ले लिख के आप आगे अपनी आईडी लिखेंगे तो आप साइन इन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके एस ओ डिस्प्ले करेंगे तो आप साइन आउट हो जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, दुआ में याद रखें। अच्छा, तो इसमें जो हमने इस सारी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, वॉश करने के लिए क्या करें, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्क्रीन बिल्कुल वॉश हो जाएगी, यानी कि क्लियर हो जाएगी। ओके गाइस, तो हम याद रखें आपने इसमें लेक्चर में साइन इन, साइन आउट और इसका पासवर्ड चेंज करना सीखा। ओके गाइस, नेक्स्ट टाइम मैं आपको लाइव पासवर्ड चेंज करना सिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।